स्टूडेंट आज हम लोग एडवांस सर्वेइंग का एक यूनिट स्टार्ट करेंगे। वो यूनिट आपका है टेकियोमेट्रिक सर्वेइंग। ये यूनिट आपके सिलेबस के अनुसार यानी SVT बिहार के सिलेबस के अनुसार यूनिट 3 में पढ़ना है, जिसकी वेटेज 12 मार्क्स है। यानी आपके सेमेस्टर एग्जाम में 12 नंबर का क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछा जाएगा। किस अंदाज में पूछेगा? तो एक न्यूमेरिकल 6 नंबर में, एक थ्योरी 4 नंबर में, रही बात ऑब्जेक्टिव की तो 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। यहां तक तो रहा कि इस यूनिट से किस अंदाज में क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं और ये सीखेंगे कि टेकियोमेट्रिक सर्वेइंग को एडवांस सर्वे में ही क्यों पढ़ने को मिला। अगर वहाँ पढ़ रहे हैं तो इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही होगी, इतिहास क्या रहा होगा, ठीक है ना। इसको समझने के लिए हम लोग थर्ड सेमेस्टर में एक यूनिट पढ़े थे, उसका थोड़ा सा सहारा लेते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में हम लोग क्या सीख रहे थे कि कोई भी होरिजेंटल डिस्टेंस को यानी कोई भी ग्राउंड पर का डिस्टेंस को हम लोग मेजरमेंट कर ले रहे थे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के सहारे से, हेल्प से, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सोचिए कि जिस समय कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ होगा उस समय क्या लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं होता होगा? तो जवाब आना चाहिए कि सर यस सर होता होगा। कैसे होता होगा? तो उस समय बिना टेक्नोलॉजी को होता होगा सर, और पैदल चल चल कर नापते थे, जैसे कि यहाँ चले 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम ऐसे चलते थे और मेजरमेंट कर लेते थे, ठीक है ना। हाँ यार, कदम मतलब नहीं, डेग हम लोग बाओ डेग से नापते थे कि 4 डेग याद हो इधर, 15 डेग याद हो इधर इधर, ऐसे मेजरमेंट कर लेते थे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आने लगी थी उस समय कि जब नापते थे ना तो गिनते गिनते भूल जाते थे कि 4 डेग नापे कि 15 डेग नापे कि 20 डेग नापे, ठीक है ना। हाँ, या बीच में गिनते गिनते भूला जाते थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी समस्या आने लगी थी, ठीक है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया जिसका नाम था पैसोमीटर। वो क्या था कि एक घड़ी जैसा था जिसको अपन पैर के तलवा में बांध लेते थे और जूता के जैसा मतलब बांध लेते थे जूता या चप्पल उपल में या पैर के नीचे और चलते थे। मतलब जितना बार चले ना उतना कदम को काउंट करता था और फाइनलाइज बताता था कि आपने इतना कदम चला। तो इससे क्या हुआ कि आपको याद रखने कोई ज़रूरत नहीं है, वो मशीन में डायरेक्ट बता देगा घड़ी जैसा। अरे नहीं, फीलिंग आ रहा है, समझ में आएगा फीलिंग। देखो कैसे बचपन में एक जूता आता था बउआ के लिए, ठीक है ना, उसमें एक हॉर्न लगा रहता था, जब चलता था तब आवाज़ करता था, ठीक है ना, जब चलता था ना तब आवाज़ करता था, ठीक है ना, बस उसी के जैसा होता था, ठीक है, सिर्फ ये पेस को काउंट करता था, ठीक है ना। तो इसको बोलते थे पेसोमीटर। और हम लोग जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है ना, आवश्यकता और पड़ा, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता था कि कैलकुलेशन करने की अलग से ज़रूरत पड़ता था, ठीक है ना। तो पेडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आया जो डायरेक्ट मतलब डेग को एकदम कैलकुलेशन करके डिस्टेंस बता देता था। पेडोमीटर आया, उसके बाद आया क्या आया, ऑडोमीटर आया, उसके बाद क्या आया, ऑडोमीटर में क्या था कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को काउंट करता था ऑडोमीटर और उससे डिस्टेंस को मेजरमेंट करता था, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह का आपकी लीनियर मेजरमेंट की इतिहास रही थी। और लास्ट में एक इंस्ट्रूमेंट आया था कि जहाँ तक थर्ड सेमेस्टर में हम लोग सीख पाए थे वहाँ पे चेन और टेप आया था। और सबसे ज़्यादा सर्वे वर्क चेन और टेप के हेल्प से ही हो रहा था। अपन बिहार की बात किया जाए तो लगभग अभी भी चेन और टेप से ही लगभग लैंड मेजरमेंट होता है, भू सर्वेक्षण होता है अभी भी चेन और टेप के मदद से। अरे जिसको जरीब बोलते हैं वाह, ठीक है ना, गाँव देहात में, ठीक है। हाँ, तब बताओ कि उस समय तक मतलब अभी तक उस समय क्या अभी तक इसकी क्रेज है और अभी तक सर्वे हो रहा है चेन और टेप के हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, और जितना ज़रूरत था उतना एक्यूरेसी मिल पा रहा था और मिल भी रहा था, ठीक है ना, सारे चीज़ अच्छे थे, ठीक है ना। लेकिन आप लोग डिप्लोमा धारी हैं, आप लोग बैठल मन नहीं लगेगा, कुछ सोचते रहिएगा कि चेन और टेप में भी तो कोई ना कमी होगा ना, मतलब किसी की कमी निकालना आप लोग को तो आदत होती है, ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग क्या किए, बैठल मन नहीं लगा और चेन और टेप में भी कमी निकालना चालू कर दिए, ठीक है ना, चेन और टेप, ठीक है ना। हाँ, चेन और टेप में कमी सबसे पहला आप लोग क्या देखा कि सर ये जो चेन और टेप था ना वो सारे टाइप्स के ग्राउंड के लिए सूटेबल नहीं था, ठीक है ना। हाँ, पहला आप लोग कमी देखा इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ग्राउंड।
सारे टाइप्स के ग्राउंड के लिए सुटेबल नहीं था, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि फ्लाइट के लिए तो ठीक था, फ्लाइट ग्राउंड के लिए ठीक था, ये मतलब अच्छा मेजरमेंट कर ले रहा था। लेकिन जैसे ही आपको हिली एरियाज वाले ग्राउंड आ रहे थे या अनइवन उखड़ खाबड़ ग्राउंड आ रहा था, जिसको हम लोग सर्वे के लैंग्वेज में अनडुलेटेड बोलते थे, जनरल लैंग्वेज में अनइवन बोलते थे, यानी अनडुलेटेड ग्राउंड के लिए बेटर रिजल्ट नहीं दे रहा था, यानी अनडुलेटेड ग्राउंड के लिए ये उतना सुटेबल नहीं था, ठीक है ना। हाँ, ये सबसे बड़ा डिमेरिट था। दूसरी अगर डिमेरिट्स अगर बात किया जाए तो चेन और टेप किसकी बना होता था, वो तो मेटल्स का बना होता था, काची का मेटल का बना होता। चेन और टेप जब मेटल का बना होता है वो, तो एक बात ध्यान दीजिए कि मेटल का बना होता है तो ठंडा के दिन में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, और गर्मी के दिन में क्या होगा, फैल जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो क्या होता था कि मेटल का बना होता था जिसके वजह से टेम्परेचर मिलने के बाद या टेम्परेचर में वेरिएशन की वजह से आप, यानी लिखेंगे वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी जहाँ पे आप मेजरमेंट ले रहे हैं ना, अगर वहाँ के टेम्परेचर में वेरीज करेगा या कम होगा या बेसी होगा, जैसे टेम्परेचर में वेरिएशन होगा होता था तो वहाँ पे दो वो केस जनरेट होता था, ठीक है ना। पहला थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है ना। हाँ, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में चेन का लेंथ क्या होता था, टू शॉर्ट होता था, और थर्मल एक्सपेंशन में चेन का लेंथ क्या होता था, टू लॉन्ग होता था। अब बताइए, जब चेन का लेंथ लंबा और छोटा हो जाता होगा तो उस समय चेन से नापने में क्या होता था, एक्यूरेसी नहीं ना आता होगा, इरर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात और अगर थोड़ा सा बात समझेंगे कि अगर चेन अगर मेटल्स का बना है तो कुछ ना कुछ उसका सेल्फ वेट होता होगा, और सेल्फ वेट की वजह से यानी भारी होता होगा, और जब कभी भी यहाँ पे ऐसे पकड़ करके चेन को अगर नापते होंगे, एक एंड पर यहाँ पे पकड़ करके नापते होंगे चेन और टेप को, तो क्या होता होगा, सेल्फ वेट की वजह से चेन और टेप ऐसे हो जाता होगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाता होगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं, अरे इस तरह से मुड़ जाता था, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, मान लीजिए कि इस तरह से मुड़ जाता होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये किसके वजह से मुड़ता होगा, वो सेल्फ वेट के वजह से, सेल्फ वेट के वजह से, ठीक है ना। हाँ, तो सेल्फ वेट के वजह से इस तरह का शेप ले लेता था, जिसको बोलते हैं कैटेनरी शेप, क्या बोलते थे, वो सेल्फ वेट की वजह से इस तरह का शेप लेता था, उसको बोलते थे कैटेनरी शेप, और इस कैटेनरी शेप को ही ये जो कंडीशन अराइज होता है उसी को हम लोग बोलते थे सैग, क्या बोलते थे, सैग, क्या बोलते थे भाव, सैग, जिसको बोलते थे सैगिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैगिंग, ठीक है ना। तो मेटल में सेल्फ वेट की वजह से एक और कंडीशन अराइज होता है जिसका नाम है सैगिंग, ठीक है ना। हाँ, यानी सैगिंग का कंडीशन भी यहाँ पे अराइज होता था, किसमें, चेन और टेप में, तो वहाँ पे करेक्शन भी पढ़ते थे सैग करेक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी सारी समस्या आ रही थी, खैर इतनी सारी समस्या से ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो मेन बात था जिससे आपकी एक्यूरेसी, देखिए आदमी को अगर 10 रुपये मिलेगा तो 20 की इच्छा करेगा, अरे 20 मिलेगा तो 30 की इच्छा करेगा, 30 मिलेगा तो और आगे की इच्छा करेगा, ठीक है ना। वही बात एक्यूरेसी की रहा, जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ता गया तो लगा कि नहीं और एक्यूरेट होना चाहिए, और एक्यूरेट होना चाहिए, तो एक्यूरेसी को लेकर लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, देख रहे थे कि इतने सारे आपकी दिक्कत आ रही थी, एक्यूरेसी नहीं मिल पा रहा था, यानी आप जितना इच्छा कर रहे थे, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना एक्यूरेसी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी भी सबसे बड़ी उस समय के लिए समस्या था, यानी डिजायरेबल एक्यूरेसी नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। हाँ, तीसरी बात एक थी कि यहां पे चेन और टेप से सिर्फ और सिर्फ जो मेजरमेंट हो रहा था, दिखाई पड़ा ना, चेन और टेप से जो मेजरमेंट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजरमेंट कर पा रहे थे, वर्टिकल डिस्टेंस को प्यार से बोलते हैं एलिवेशन,
एलिवेशन को मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजरमेंट कर पा रहे थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि लीनियर मेजरमेंट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही मेजरमेंट किए थे थर्ड सेमेस्टर में। वर्टिकल डिस्टेंस यानी एलिवेशन के लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे थर्ड सेमेस्टर में, जिसका नाम था लेवलिंग। क्या था? लेवलिंग, ठीक है ना। हाँ, उसमें एलिवेशन पता करते थे, एक ही न्यूमेरिकल आता था, फाइंड द रिड्यूस लेवल, ठीक है ना। पूरा लेवलिंग में आप लोग रिड्यूस लेवल ही फाइंड आउट किए होंगे और कुछ नहीं। और एसएससी जेई के लिए ये भी टॉपिक हॉट्स है लेवलिंग, ठीक है ना। हाँ, लेवलिंग और कंपास वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट्स हो जाते हैं। और प्री के लिए आपको कंटूर का जो एक न्यूमेरिकल सब पूछे जाने लगा है, ठीक है ना। 2018 के या 2019 में एसएससी जेई में पूछा है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तक तो बात थी बात बनाने की, ठीक है ना, लेबलिंग, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी एक समस्या आने लगा कि यहाँ से चेन और टेप से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजरमेंट कर रहे हैं और वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी सारी समस्या आ रहा था। अब बताइए, एक वहाँ पे पढ़े होंगे कंटूर मैप, क्या पढ़े होंगे भाव, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, वहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही सिर्फ मेजरमेंट कर पा रहे हैं, वर्टिकल नहीं मेजरमेंट कर पा रहे हैं, और एक कंटूर मैप बना रहे थे, तो उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ रही थी और वर्टिकल डिस्टेंस जिसको एलिवेशन की भी ज़रूरत पड़ रही थी। तो दोनों जब तक नहीं आपके पास रहेगा, तब तक कैसे कंटूर मैप ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट से आप कंटूर मैप का ड्रा नहीं कर पा रहे थे, यानी यहाँ पे डू नॉट पॉसिबल, यानी नॉट पॉसिबल टू ड्रा कंटूर, नॉट पॉसिबल टू ड्रा कंटूर मैप, कंटूर मैप ड्रा करना भी संभव नहीं था, ठीक है ना। हाँ, कंटूर मैप भी ड्रा नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए कि इतनी सारी समस्याएं अगर आएगी तो क्या हम लोग नहीं सोचेंगे। हम लोग को आदत ही होता है, डिप्लोमाधारी की आदत ही होता है कि बैठल बैठल मन नहीं लगा, पहला तो कम रहता है तो बैठे बैठे सोच रहेगा कि ऐसा चेन और टेप में कोई डिसएडवांटेज देखो, फटाक से देखो। तो इतनी सारे डिसएडवांटेज निकले तो क्या आप लोग ये सोचेंगे कि क्या इस डिसएडवांटेज को, इस लिमिटेशन को दूर किया जा सकता है। तो आप लोग के पास जवाब आता है कि यस सर, दूर किया जा सकता है। तो कैसे सर? दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? तो फिर से वही डिप्लोमाधारी वाला दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर? अभी अभी आपने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? थियोडोलाइट पढ़ाया। क्या पढ़ाया? थियोडोलाइट। और थियोडोलाइट में क्या पढ़ाया सर? कि थियोडोलाइट में जो मेन इंस्ट्रूमेंट हो रहा था वो था आपकी टेलीस्कोप था। क्या था भाव? टेलीस्कोप। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। और यकीन मानिए, ये टॉपिक ऐसा है, यानी ये यूनिट ऐसा है कि इस यूनिट से कम मेहनत के बावजूद भी आपको क्या होगा कि ज़्यादा मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। एकदम सॉलिड 12 नंबर आएगा, एकदम सबसे कम मेहनत करने में, ठीक है ना। हाँ, देखिए, सपोज करिए कि ये आपकी इंस्ट्रूमेंट था थियोडोलाइट। क्या था? थियोडोलाइट, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझिए। थियोडोलाइट में क्या था जो मेन इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहा था, जिसका नाम था टेलीस्कोप। क्या था? टेलीस्कोप, ठीक है ना। हाँ, और टेलीस्कोप में एक था आपकी ऑब्जेक्टिव और दूसरा था आईपीस। आईपीस के साइड में एक अटैचमेंट था जिसको नाम हम लोग बोल रहे थे डायाफ्राम। क्या था? अगर थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा होगा तो आईपीस के नज़दीक में एक अटैचमेंट था, एक एडजस्टमेंट था जिसको बोल रहे थे डायाफ्राम। डायाफ्राम, ठीक है ना। हाँ, बड़ा आराम से सीखिए कि डायाफ्राम में एक अरेंजमेंट लगा हो रहा था जो इस तरह का अरेंजमेंट था। डायाफ्राम को अगर बाहर निकाल के जूम आउट करके अरेंजमेंट देख रहे थे तो डायाफ्राम में इस तरह का अरेंजमेंट था जिसको अपन वीडियो क्लिप के माध्यम से लगा करके आप लोग को बताया था, ठीक है ना। इस तरह का अरेंजमेंट लगा था और ये दोनों को बोल रहे थे क्रॉस हेयर। क्या बोल रहे थे भाव? क्रॉस हेयर, ठीक है ना। हाँ, इसको भी बोल रहे थे क्रॉस हेयर, लेकिन इसको बोल रहे थे जब वर्टिकल था तब बोल रहे थे वर्टिकल क्रॉस हेयर, और जब हॉरिजॉन्टल था तो उसको बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल
क्रॉस हेयर, ठीक है ना। ये पबजी वाला गेम का थी नहीं था, एक स्कैन था, उसको मदद से हम समझाने की कोशिश किया था, ठीक है ना। तो इस तरह से क्रॉस हेयर था और यही क्रॉस हेयर की हेल्प से हम लोग रीडिंग लेते थे, ठीक है ना। हाँ, ये वाला जब आप क्लिप लगाए थे ना आप लोग को वीडियो में, तो मेरा यूट्यूब पर कॉपीराइट का क्लेम आ गया था, ठीक है ना, इसीलिए वो वीडियो अभी डिलीट कर दिया अपने यूट्यूब से, ठीक है ना। हाँ, एप्लीकेशन में ऐसा तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ पे डायफ्राम था ये थियोडोलाइट का, इस तरह का डायफ्राम के अरेंजमेंट था इस क्रॉस हेयर का, और इस क्रॉस हेयर की मदद से हम लोग रीडिंग ले रहे थे, ठीक है ना। लेकिन थियोडोलाइट का एक काम था कि सिर्फ और सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट करता है, क्या करता था, एंगुलर मेजरमेंट। अब एंगुलर मेजरमेंट करता है और हम लोग को यहाँ पे हॉरिजेंटल मेजरमेंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यही डायफ्राम में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट को ऐड करते हैं, यानी सम एक्स्ट्रा पार्ट ऐड इन डायफ्राम। डायफ्राम में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। हाँ, डायफ्राम में जब कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट क्या ऐड करते हैं, जैसे कि ये डायफ्राम है, बस कुछ नहीं करते हैं, क्रॉस हेयर ये आपकी है, ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर है, ये वर्टिकल क्रॉस हेयर, इसके ऊपर इस तरह से एक और वायर लगा देते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्टेडिया वायर। क्या बोलते हैं, स्टेडिया वायर। लाल से दिखाई पड़ रहा है ना, नहीं ब्लैक से लिख देते हैं, स्टेडिया वायर, ठीक है ना, स्टेडिया वायर लगाते हैं, कभी कभी स्टेडिया हेयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, और इसको भी बोलते हैं स्टेडिया हेयर या वायर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, दोनों का मतलब सेम थिंग है, कुछ नहीं करते हैं, थियोडोलाइट के डायफ्राम के अरेंजमेंट में कुछ चेंज करते हैं, क्या करते हैं कि दो स्टेडिया वायर लगाते हैं, एक ऊपर में लगाते हैं, एक नीचे में लगाते हैं। तो जो ऊपर में लगाते हैं उसको बोलते हैं अपर स्टेडिया वायर, और जो नीचे में लगाते हैं उसको बोलते हैं लोअर स्टेडिया वायर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करते हैं, देखो थियोडोलाइट के डायफ्राम ऐसा था, ये थियोडोलाइट के डायफ्राम ऐसा था, बस उसको कुछ नहीं किए, स्टेडिया वायर लगा दिए, और जब स्टेडिया वायर लगा करके आपने थियोडोलाइट को क्या किया, अरेंजमेंट में चेंज कर दिया, क्या किया, चेंज किया। चेंज करने के बाद थियोडोलाइट में सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि आपने थियोडोलाइट में सिर्फ और सिर्फ आपने डायफ्राम के अरेंजमेंट में चेंज किया, वो भी डायफ्राम के पार्टिकुलर, सिर्फ आपने स्टेडिया वायर को ऐड किया, क्या किया, स्टेडिया वायर को ऐड किया। जैसे ही थियोडोलाइट के डायफ्राम में स्टेडिया वायर को अगर चेंज कर दिए, तब ये थियोडोलाइट ना कहला करके कहलाने लगेगा टैकियोमीटर, क्या कहलाने लगेगा, वो टैकियोमीटर, ठीक है ना। तो यही थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है, यही थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन क्या किया कि यहाँ पे डायफ्राम के अरेंजमेंट में चेंज किया, और चेंज करने के बाद थियोडोलाइट किस में चेंज हो गया, अबाउट टैकियोमीटर में। तो देखिए टैकियोमीटर और थियोडोलाइट में बहुत थोड़ा सा का अंतर है, डायफ्रामेटिकल अरेंजमेंट में ही सिर्फ अंतर है, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि जो टैकियोमीटर से भी क्या करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट करते हैं। लेकिन एंगुलर मेजरमेंट करने के बाद कुछ ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करके कुछ प्रिंसिपल के अपना करके हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, यानी जो वर्टिकल डिस्टेंस को प्यार से बोलते हैं एलिवेशन, एलिवेशन को मेजरमेंट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, पहले हम लोग को सिर्फ और सिर्फ चेन और टेप से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करना पड़ रहा था, सॉरी चेन और टेप से सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजरमेंट कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही टेकियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया थियोडोलाइट को एनहांस करके, थियोडोलाइट में कुछ चेंज करके, तो हमको क्या देखने को मिला कि आप एक ही इंस्ट्रूमेंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजरमेंट कर पा रहे हो और वर्टिकल एलिवेशन भी मेजरमेंट कर पा रहे हो, ठीक है ना। पहला समस्या, ये समस्या तो आपकी हो गई दूर, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात कि यहाँ पे आपकी क्या हुई कि किसी भी टाइप्स के ग्राउंड रहेगा उस सारे ग्राउंड के लिए इससे क्या कर सकते हो, आप आसानी से मेजरमेंट ले सकते हो। यानी दूसरी समस्या ये समाधान हो गया कि इस इंस्ट्रूमेंट के जैसे ही जनरेशन हुआ, जैसे ही डेवलप हुआ, उससे आप फ्लैट डिस्टेंस, फ्लैट वाले ग्राउंड का तो मेजरमेंट कर ही पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अंडुलेटेड, जिसको हिली एरियाज वाले, उखड़ खावड़ वाले जमीन को भी, उखड़ खावड़ वाले जगहों पर भी क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर पा रहे हैं। कब? जब टेकियोमीटर का डेवलपमेंट हुआ तब, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात कि इसमें कोई ऐसा चेन और टेप नहीं है जिससे मेटल के कारण सैगिंग होगा, तो सैगिंग का कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे एलिमिनेट हुआ, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात, मेटल वेटल है नहीं कि थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब दिक्कत आएगा, तो ये सारी समस्याएं क्या हो गया, वन वे में आपकी सोल्यूशन मिल गया। समस्या था, सोल्यूशन है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आया, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि जितनी भी समस्याएं थे वो सारे समस्याएं क्या हो गई, दूर हो गई, ठीक है ना। अब बताइए, टेकियोमीटर का एक और नाम से जाना था, कभी कभी प्यार से बोलते हैं टेलीमीटर, ठीक है ना, टेलीमीटर, ठीक है ना। टेकियोमीटर का ही एक और नाम है टेलीमीटर, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी इसको बोलते हैं टेकियोमेट्रिक सर्वे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं वो, टेकियो, देखिए टेकियोमेट्री, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात समझिए कि जो टैकियोमेट्रिक सर्वे में हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, वो तो टैकियोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। टैकियोमीटर के डायाफ्राम में एक बात यहाँ पे नोट पॉइंट आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि देखिए कि थियोडोलाइट के डायाफ्राम में हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर एक था, लेकिन टैकियोमीटर के, ये टैकियोमीटर के डायाफ्राम ना है, ये डायाफ्राम किसका है, वो ये टैकियोमीटर के डायाफ्राम है, किसका डायाफ्राम है, टैकियोमीटर के। तो टैकियोमीटर के डायाफ्राम में हॉरिजॉन्टल हेयर का एगो है, एक दो तीन, लेकिन थियोडोलाइट के डायाफ्राम में हॉरिजॉन्टल हेयर कितना है, एक है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट के तौर पर यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज थ्री ऑफ टैकियोमेट्रिक डायफ्राम, या बोलेंगे थ्री इन टैकियोमेट्रिक डायफ्राम, ठीक है ना। हाँ, तो टैकियोमेट्रिक डायफ्राम में कितना क्रॉस हेयर हुआ, इतना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि ये वाला जो था, ये डायफ्राम, आप बताओ, अभी तक तो अपन डायफ्राम इस तरह का चेंज करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्या, टैकियोमीटर। लेकिन इतना में भी संतोष नहीं हुआ, तो एक्यूरेसी पर और सोचने लगा। देखिए, बस एक ही चीज को आपने क्या किया, बात को पकड़ा, डायफ्रामेटिकल अरेंजमेंट को चेंज किया। अब इसमें डायफ्राम के अलग अलग अरेंजमेंट करके एक्यूरेसी को
सोचता गया और बहुत तरह के डायफ्रामेटिकल अरेंजमेंट बनाया कि इस टाइप के डायफ्राम बनाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा, इस टाइप के अरेंजमेंट बनाएंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा। तो एनालिसिस करते करते बहुत सारे क्या क्या डायफ्रामेटिकल अरेंजमेंट बनाया क्रॉस हेयर का, इस बॉक्स का, ठीक है ना। तो उसको हम बनाते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के क्रॉस हेयर आपको मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ पर बना दें, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपन इरेज करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन से यार इस टॉपिक का पता चलेगा कि इस टॉपिक में हम लोग करने वाला है क्या है। हम लोग को ये पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट करेंगे, किसके हेल्प से, तो एंगुलर ऑब्जर्वेशन के हेल्प से, ठीक है ना। हाँ तो देखिए क्या कि ये जो डायाफ्राम है क्रॉस, यानी मतलब डिफरेंट, देखिए मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो इसको और एक्यूरेसी पर विचार करते गया और डायफ्राम को सोचते गया कि कैसे डायफ्राम को अरेंजमेंट करें तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट दे। तो डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायाफ्राम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायाफ्राम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायाफ्राम, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस हेयर एंड अस्टेडिया अस्टेडिया वायर, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जो बनाते हैं उस पर थोड़ा विचार कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ पहले तो ये हुआ स्टार्टिंग का जनरेशन में बना था तब, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। हाँ इस तरह का अरेंजमेंट मिला, ठीक है ना। हाँ उसके बाद और जब टेक्नोलॉजी और बढ़ा थोड़ा सा तो इस तरह का आपके अरेंजमेंट मिला। देखिए हम सारे अरेंजमेंट को एक साथ ऐसे बक्सा बनाते हैं और सारे अरेंजमेंट को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। दिखाई पड़ रहा नीचे, हाँ मान लीजिए दिखाई पड़ रहा, ठीक है ना। हाँ अब बात आती है कि इसकी जो अरेंजमेंट की, तो पहला तो इस तरह का अरेंजमेंट मिला, उसके बाद फिर से सोचा कि अगर इस तरह से कर देंगे इस तरह से अरेंजमेंट इस तरह से क्रॉस हेयर का तो हमको कुछ और एक्यूरेट रिजल्ट देने लगेगा, ठीक है ना। हाँ तो डिफरेंट फॉर्म्स के उन्होंने क्या किया, डायफ्राम और स्टेडिया वायर बनाते चला गया एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। ऐसा भी मिला, फिर और भी इस तरह का बनाया, ठीक है ना। इस तरह का इन्होंने बनाया, ये डिफरेंट टाइप्स के डायफ्राम बनाते गया क्रॉस हेयर का अरेंजमेंट कर करके, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, अभी फिगर भी अटैच कर देंगे डिफरेंट टाइप्स के डायफ्राम को, सॉरी रेड कलर से ना बना रहे थे बाओ, ठीक है ना। एक और मिला आपको, ठीक है ना, इस तरह से। और एक और डायफ्रामेटिकल अरेंजमेंट जो मिला वो ये आपके इस तरह से मिला, ठीक है ना, इस तरह से मिला, ठीक है ना। सब में क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल हेयर कितना है, तीन गो है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो
एक दो तीन, यानी जो अपन जो नोट पॉइंट में बात लिखी है, नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल हेयर इज 3 इन टैकियोमेट्रिक डायफ्राम, यानी टैकियोमेट्रिक डायफ्राम में नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल हेयर कितना होगा बाबू, तो 3 होगा। इस बात को आप नोट पॉइंट के तौर पर समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, इतना चीज को आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके कॉपी करोगे, और इतना बात समझने के बाद अभी डिफिनेशन भी यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद नोट करने के लिए समय देंगे। अब यहां पे बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ टैकियोमीटर। डिफिनेशन आप लोग नहीं सोच सकते हैं, तो डिफिनेशन आप खुद से लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, लिखेंगे ब्लू से ना लिखेंगे डिफिनेशन, हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच बी होरिजेंटल एंड वर्टिकल horizontal distance and vertical distance जिसको बोलते हैं elevation measure by एंगुलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये डिफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा कि ये टेलीमेट्री या टेकियोमीटर के हेल्प से हम लोग एंगुलर मेजरमेंट करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट कर ले रहे हैं, किसमें, टेकियोमीटर में। तो वही बात लिखा, द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजर बाय एंगुलर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। हाँ, कॉमा दे के लिख सकते हैं, इज नोन एज टैकियोमेट्रिक सर्वेइंग, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी रहा इसकी डिफिनेशन। अभी तक अपन क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया इस चैप्टर का, ठीक है ना। अब हम लोग क्या हुआ, क्या पढ़ेंगे कि इस मतलब यहाँ तक, मतलब टैकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम लोग टैकियोमीटर जो बनाया, इसकी ऑब्जेक्ट क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से हम लोग उधर इरेज करके लिख देते हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ टैकियोमीटर, ठीक है ना। आप लोग रोक के लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इरेज तो इधर कर दिए, ठीक है ना, रोक के लिख लीजिएगा पीछे करके थोड़ा, है ना। हाँ, बहुत शिकायत आता है कि सर आपका मतलब रोक के लिखने का समय नहीं देते हैं, चंडाल लो लिखो, थोड़ा हट जाया भी कीजिए, मुझे लिखने भी दिया कीजिए। अब बार बार आपको कहा जा रहा है, इस बात पर सोच नहीं रहे हैं, ठीक है ना। गुस्सा तो आते रहता है, लेकिन क्या करें, एवॉइड दी गुस्सा, ठीक है ना। इतनी सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमारा जो टेक्योमीटर पढ़ने का जो मेन ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वे, ठीक है ना। टैक्योमेट्रिक सर्वे का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, क्या एम है, किस पर्पस से हम लोग करते हैं। तो पहला तो है कि टू मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है ना। हाँ, दूसरा बात टू प्रिपेयर द कंटूर मैप, ठीक है ना, कंटूर मैप को प्रिपेयर करने के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बात एग्जाम में कभी कभी पूछता है, ठीक है ना। हाँ, कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैकियोमीटर कोई बोलेगा तो आप एक ही चीज़ अगर इंटरव्यू में देने जा रहे हो और पूछेगा कि टैकियोमेट्रिक सर्वे का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आपको एक ही जवाब आना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव है क्या कि टू प्रिपेयर द कंटूर मैप, क्योंकि कंटूर मैप में वर्टिकल एलिवेशन यानी वर्टिकल डिस्टेंस को एलिवेशन बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों की जरूरत पड़ता है, तो ये इंटरव्यू लाइक यहाँ पे से समस्या हो सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो टू प्रिपेयर द कंटूर मैप, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप दो ऑब्जेक्टिव है, एक दो और ऑब्जेक्टिव अभी लिख देते हैं। एक और चीज लिख सकते हैं, टू मेजरमेंट ऑफ हिली एरियाज, ठीक है ना। हिली एरियाज के लिए मेजरमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, और अंडुलेटेड ग्राउंड या अंडुलेटेड ग्राउंड भेयर मेजरमेंट और नोट मेजरमेंट और नोट पॉसिबल टू चेन और टेप, जहाँ चेन और टेप से अगर नहीं पॉसिबल मेजरमेंट करना होता है ना, उसके लिए भी ये टैकियोमेट्री बनाए थे, ठीक है ना। हाँ, इतना बात तो आपको समझ आया। दूसरी बात, इन्हांस द एक्यूरेसी लिखेंगे, इन्हांस इन एक्यूरेसी ऑफ लीनियर मेजरमेंट, ठीक है ना। हाँ, इतना बात को आप लोग करेंगे कॉपी। अब हम लोग इसी यूनिट में आगे नहीं रहने दें, नहीं थोड़ा सा और बस 10 मिनट में देख लेते हैं कि टैकियोमीटर में जो मेनली जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, इंस्ट्रूमेंट यूज इन टैकियोमीटर, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन टैकियोमेट्रिक सर्वेइंग में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो टैकियोमेट्रिक सर्वेइंग में मेनली दो ही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। पहला जो यूज करते हैं जिसका नाम है टैकियोमीटर, क्या बोलते हैं, टैकियोमीटर, ठीक है ना। और दूसरा यूज करते हैं स्टेडिया रड, ठीक है ना। यही दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग पूरा टैकियोमेट्रिक सर्वेइंग कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, थोड़ी सी बात कर लेते हैं टैकियोमेट्रिक सर्वेइंग में टैकियोमीटर क्या होता है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे हेडिंग भी चाहे तो बना सकते हैं, टैकियोमीटर, ठीक है ना। हाँ, पहले टैकियोमीटर का समझ लेते हैं, उसके बाद अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। हालांकि समझ तो लिए ही हैं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू के टाइप के, ठीक है ना। आपको अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा टैकियोमीटर तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी इंस्ट्रूमेंट है टैकियोमीटर, ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, टैकियोमीटर है। और टैकियोमीटर में क्या था, थियोडोला टेलीस्कोप फिटेड था, और इस टेलीस्कोप के डायाफ्राम के अरेंजमेंट में ही सिर्फ चेंजिंग था, ठीक है ना। ये डायाफ्राम के अरेंजमेंट में ही सिर्फ क्या था, चेंजिंग था, ये इसको बोलते हैं डायाफ्राम। और ये डायाफ्राम कुछ ऐसा था, और इस डायाफ्राम में इस तरह क्रॉस हेयर लगे हुए थे,
ठीक है ना। और इस क्रॉस हेयर के ऊपर एक था क्या, स्टेडिया वायर, क्या था, स्टेडिया वायर, ठीक है ना। हाँ तो बस इसी को अपन डिफाइन कर देना है। तो लिखेंगे ए टैक्योमीटर इज ए ट्रांजिट थियोडोलाइट। कैसा थियोडोलाइट है भाव, ट्रांजिट थियोडोलाइट। लिखेंगे टैकियो मीटर मीटर इज अ ट्रांजिट ट्रांजिट थियोडोलाइट थियोडोलाइट। कैसा थियोडोलाइट है, ट्रांजिट थियोडोलाइट है। फिटेड विथ काची के साथ बा स्टेडिया डायफ्राम, ठीक है ना। इस डायफ्राम को डायफ्राम ना बोल करके स्टेडिया वायर लग जाने की वजह से इसको बोलते हैं स्टेडिया डायफ्राम, स्टेडिया डायफ्राम। तो लिखेंगे ए टैक्योमीटर इज ए ट्रांजिट थियोडोलाइट फिटेड विथ स्टेडिया डायफ्राम एंड ये दोनों में लेंस से लगा हुआ आता है ना, तो इसको बोलते हैं एंड एनालिटिकल लेंस, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। और यहाँ पे जो डायाफ्राम होता है, यहाँ से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, क्या लिखेंगे, डाया बढ़िया से लिखिए मीनिंग सर, डायाफ्राम consist of two stadia wire, ठीक है ना। दो stadia wire consist करता है one of lower of horizontal, देखिए तो एक lower horizontal क्रॉस हेयर और दूसरा है अपर या एभव द एंड अनदर इज एभव द हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। देखिए क्या है टैक्योमीटर, कुछ नहीं है, देखिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं डायाफ्राम, जिसको बोलते हैं स्टेडिया डायाफ्राम, और ये हो गया आईपीस। और बात की जितने भी पार्ट्स होंगे सब थियोडोलाइट का ही पार्ट होंगे, ठीक है ना, सिर्फ डायाफ्राम में चेंज कर रहे हैं टेलीस्कोप के डायाफ्राम में, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे टैक्योमीटर, कोई बॉल बूता नहीं ना, टैक्योमीटर यूज्ड एज मेन स्केल नहीं इंस्ट्रूमेंट इन टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, ठीक है ना। टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में टैक्योमीटर क्या होता है, मेन इंस्ट्रूमेंट के जैसा यूज होता है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेडिया डायाफ्राम अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है ना। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होंगे, स्टेडिया डायफ्राम अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। हाँ जो अभी इसके पिछले बार बताए हैं, अभी स्क्रीनशॉट एक फोटो लगा देते हैं, जो अभी बताए हैं वही वाला यहाँ पे लिखाया गया, ठीक है ना। हाँ तो आप फोटो भी देख रहे हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है ना। हाँ अब एक और इंस्ट्रूमेंट आपकी आती है जिसका नाम है क्या, उसका नाम क्या है वो, स्टेडिया रड, क्या है, स्टेडिया रड, ठीक है ना। थोड़ा सा करेंगे स्टेडिया रड की, ठीक है, स्टेडिया रड कुछ नहीं है, ठीक है ना, एक तरह के लेवलिंग स्टाफ ही है। तो लिख देंगे एकदम सेम बात जो बात बोले हैं, इट इज जस्ट सिमिलर
टू लेबलिंग लेबलिंग स्टाफ हैविंग हैविंग थ्री टू फाइव मीटर इन लेंथ। कितना लेंथ में अवेलेबल होता है? थ्री टू फाइव मीटर लेंथ में अवेलेबल होता है। बट दियर ग्रेजुएशन या बट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ऑन स्टेडिया रड ऑन बोल्ड बोल्ड में होता है एकदम पूरा एंड सिंपल होता है। क्या होता है? सिंपल बोल्ड एंड सिंपल होता है, ठीक है ना। हाँ देखिए थोड़ा सा बात करने के कोशिश करते हैं। ये आपकी दिखाई पड़ रहा ना? हाँ ये आपकी क्या है? स्टेडिया रड इसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्टेडिया रड, ठीक है ना। हाँ इस पर जो ग्रेजुएशन कटे होते हैं वो ग्रेजुएशन इस तरह से होता है, तो पूरा बोल्ड रहता है, शार्प दिखेगा। बोल्ड शार्प बोल्ड सिंपल एंड शार्प भी बोल सकता है। बोल्ड शार्प शार्प एंड सिंपल, ठीक है ना। हाँ इसका जो ग्रेजुएशन होता है ना, पूरा बोल्ड होता है, दूर से ही दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है ना। हाँ इस तरह से है ना। हाँ अभी एक इमेज अटैच कर देते हैं, उससे आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में लेकिन ऐसा ही छापोगे, ठीक है ना। हाँ एक बात आता है कि अगर कम डिस्टेंस के लिए अगर आप मतलब सर्वे कर रहे हो ना, यानी कम डिस्टेंस के लिए आप क्या कर रहे हो? डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहे हो ना, तो उस समय आप लेबलिंग स्टाफ का यूज कर लोगे। अगर ज़्यादा डिस्टेंस के लिए अगर ज़्यादा लंबा डिस्टेंस के लिए यूज करोगे ना, तो वहाँ पे स्टेडिया रड की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे एक बात आती है कि सर कम डिस्टेंस कितना डिस्टेंस को कम डिस्टेंस बोलेंगे? कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना। तो हाँ तो लिखेंगे फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस For a small distance यानी less than 100 मीटर। अगर 100 मीटर से अगर डिस्टेंस कम रहेगा ना, तो उसको बोलेंगे small distance। For a small distance used labeling stop। स्टाफ मतलब छोटा डिस्टेंस के लिए हम लोग लेबलिंग स्टाफ का यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ अगर वही बड़ा डिस्टेंस के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग स्टेडिया रड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे अगर दिखा पड़ा तो लिख देते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस used a stadia rod, ठीक है ना। हाँ एक बात आती है इसकी लिस्ट काउंट की। देखिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं आप लिस्ट काउंट की, तो ये सबसे खतरनाक बात यही होती है, ठीक है ना। हाँ इसको हम खतरनाक है तो ब्लैक से लिख देते हैं लिस्ट काउंट ऑफ स्टेडिया रड इज 5 mm। स्टेडिया रड का भी लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 mm, ठीक है ना। हाँ हालांकि इसकी रेंज होती है, ठीक है ना, 3 mm या 1 mm से लेकर 5 mm तक होती है, लेकिन उस सब चीज़ नहीं, आपको एग्जाम में आएगा तो हिट करना है 5 mm, ठीक है ना। हाँ तो इस चीज़ को आप हाईलाइट करोगे और आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगला दिन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ टेकियोमेट्री, ठीक है ना। हाँ और ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, खतरनाक यूनिट है।